नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। दिन की बड़ी खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम का 79वां संस्करण होगा और ये आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क और मोबाइल ऐप पर प्रसारित भी किया जाएगा। आधिकारिक बयान के अनुसार ये कार्यक्रम डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा। इस संस्करण में पीएम मोदी देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले, महाराष्ट्र और गोवा में बारिश से मची तबाही समेत टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल और राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं। मन की बात के पिछले संस्करण के दौरान मोदी ने 27 जून को कहा था कि टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों ने अपने स्थान पर पहुंचने के लिए संघर्ष किया है, इसीलिए लोग बेवजह खिलाड़ियों पर दबाव नहीं डाले। 27 जून को अपने पिछले संस्करण के दौरान पीएम मोदी ने देश की जनता से ओलंपिक खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की अपील भी की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि नागरिकों को खुले दिमाग से खिलाड़ियों का समर्थन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने महान धावक मिल्खा सिंह को भी श्रद्धांजलि दी थी, जिनकी इसी साल 19 जून को कोरोना की वजह से जान चली गई थी। अपने कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कोरोना टीकाकरण पर भी प्रकाश डाला था। साथ ही पीएम मोदी ने कहा था कि भारत ने एक ही दिन में लाखों लोगों को टीका लगाने की उपलब्धि भी हासिल की है, ये एक बड़ी बात है। भारत के सबसे रईस व्यक्ति और उद्योगपति मुकेश अंबानी का कहना है कि आर्थिक सुधारों के 3 दशक में देश ने कई मामलों में बहुत प्रगति की है, लेकिन सभी नागरिकों को इसका लाभ नहीं मिला। एक अखबार के कॉलम में अंबानी ने लिखा कि उदारीकरण के 30 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम अभावों की अर्थव्यवस्था से आज सुलभता की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, लेकिन आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था को सभी के लिए समृद्धि लाने वाला बनाना होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि साल 2040 के बाद तक भारत की अर्थव्यवस्था चीन और अमेरिका के समकक्ष खड़ी होगी। अंबानी ने लिखा कि 1991 में भारत को वो हिम्मत और दूरदर्शिता दी जिसने अर्थव्यवस्था की दिशा और निर्धारक तत्व तय किए। सरकार ने निजी क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में वो निर्णायक भूमिका दी जो उसके पूर्वोत्तरी 40 सालों तक सार्वजनिक क्षेत्र की थी। साथ ही लाइसेंस और कोटा राज खत्म हुआ, कारोबार और उद्योगों के लिए उदार और मुक्त पूंजी बाजार की नीतियां भी लाई गई। साथ ही वित्तीय उदारीकरण से भारतीयों की उद्यमिता ने प्रगति को तेजी और ऊर्जा भी दी। आबादी 3 दशक में भले ही 88 करोड़ से 138 करोड़ हो गई हो, पर हमने गरीबी आधी कर दी और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बने। हमारी हाईवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह आज विश्व स्तर के हैं। तो बता दें, मुकेश अंबानी ने अर्थव्यवस्था को लेकर ये बातें कही हैं और साथ ही कहा है भारत में 10 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था जो है 10 गुना ज़्यादा बड़ी है, और पिछले काफ़ी लंबे सालों से, लंबे समय से भारत में जो गरीबी थी वो कम की गई है, और भारत में आज जो एयरपोर्ट हैं और रेलवे स्टेशन हो, बंदरगाह हो, वो इंटरनेशनल लेवल के भी बने हुए हैं, और साथ ही अर्थव्यवस्था जो है हमारी बहुत तेज़ी से सुधर रही है, साथ ही गरीबी हमने आधी कर दी है और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की ही है। हमारे हाईवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह आज भी विश्व स्तर के हैं। दो दिवसीय यात्रा पर ब्रिटेन गए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने ब्रिटेन के विदेशी अधिकारियों से मुलाकात की और कहा कि मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहर व्यवहारिक रूप से कोविड से मुक्त हो गए हैं। भारत में कोरोना के बेहतर हालात के बाद कई देशों की तरफ से भारतीयों को लेकर यात्रा संबंधित छूट मिलने लगी है। इस बीच भारत ने ब्रिटेन से अपील की है कि वो भारतीयों को लेकर जारी यात्रा प्रतिबंधों पर विचार करे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि ब्रिटिश अधिकारियों को भारत से आने वाले आगंतुकों पर यात्रा प्रतिबंध की समीक्षा करने पर भी विचार करने की अपील की है। साथ ही विदेश सचिव ब्रिटेन भारत करीबी संबंधों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन के बीच रोडमैप 2030 पर सहमति का जायजा लेने शुक्रवार को 2 दिनों के दौरे पर यहां पहुंचे थे। साथ ही विदेश सचिव हर्षवर्धन ने कहा कि मुंबई और दिल्ली जैसे महानगर व्यवहारिक रूप से कोरोना से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन हम ऐसे हालात में भी आराम से नहीं बैठ सकते क्योंकि हालात लगातार बदल रहे हैं। साथ ही
एक जानकारी के मुताबिक विदेश सचिव ने कहा कि हमने अपने नागरिकों से लगातार अपील की है कि वो सभी तरह के एहतियात बरतें ताकि हमें तीसरी लहर का सामना करना पड़े। हर्षवर्धन ने फ्रांस का उदाहरण भी दिया, जिससे उन्होंने हाल ही में कहा कि कोविशील्ड को एक वैध वैक्सीन का दर्जा भी दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने ब्रिटिश अधिकारियों को भारत में कोविड के हालातों के बारे में भी बताया। मैंने उन्हें बताया कि फ्रांस ने हाल ही में वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके भारतीय यात्रियों को बिना क्वारंटीन यात्रा की इजाजत दे दी है। वहीं अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत की यात्रा करने की छूट दी है। ऐसे में ब्रिटेन को भी ऐसा करना चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा रविवार को अपने पद से यानी कि आज इस्तीफा दे सकते हैं। हाल ही में उन्होंने ऐलान किया था कि 25 जुलाई को अपनी सरकार के 2 साल पूरा होने पर वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश का पालन करेंगे। इस बीच उनके बता दें उत्तराधिकारी के तौर पर केंद्रीय कोयला खनन और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और प्रदेश सरकार में खनन मंत्री और उद्योगपति एमान निरानी का नाम सामने आने लगा है। हालांकि जोशी ने कहा कि उनसे इस बारे में अभी तक शीर्ष नेतृत्व ने कोई भी बात नहीं की है, जबकि निरानी का कहना है कि पार्टी जो भी आदेश देगी वो उसका पालन करेंगे। बता दें साल 2004 से लगातार धारवाड से सांसद जोशी ने कहा कि येदियुरप्पा के उत्तराधिकारी बनने के बारे में उनसे किसी ने बात ही की है, ये केवल मीडिया ही है जो इस बात की चर्चा कर रही है। ऐसे में इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। साथ ही सीएम बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि अभी वो कभी भी अगर मगर या काल्पनिक सवालों के जवाब नहीं देते हैं और ऐसे सवालों के जवाब देना भी नहीं चाहते। साथ ही उन्होंने कहा कि वो इससे भी अनजान है कि किसी ने येदियुरप्पा से अपने पद से इस्तीफा देने के लिए भी कहा है। और उन्होंने कहा कि सीएम पद के बारे में कोई भी फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा येदियुरप्पा को हटाए जाने पर लिंगायत समुदाय के संतों की धमकी पर भी कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वो जुलाई 2012 से जनवरी 2016 तक कर्नाटक प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो बता दें कर्नाटक में जो पिछले लंबे समय से कहा जा रहा था कि येदियुरप्पा अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, तो आज जो है ऐसी जानकारी सामने आ रही है सूत्रों की तरफ से कि येदियुरप्पा आज अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि येदियुरप्पा ने कहा था कि 26 जुलाई को उनकी सरकार को राज्य में 2 साल हो जाएंगे, तो उस दिन कार्यक्रम उनकी तरफ से किया जाएगा एक, और उम्मीद जताए कयास लगाए जा रहे थे कि उस कार्यक्रम के बाद ही वो इस्तीफा देंगे। लेकिन येदियुरप्पा की तरफ से लगातार ये बातें सामने आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि पार्टी की तरफ से जो भी कहा जाएगा, आलाकमान की तरफ से जो भी निर्देश उन्हें दिए जाएंगे वो उनका पालन करेंगे। कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर नए म्यूटेशन ने वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है। पिछले कुछ सप्ताह में अमेरिका के अंदर कोरोना के नए मामले मिले हैं और उन सभी में वायरस का डेल्टा 3 वेरिएंट मिला है, जो डेल्टा की तुलना में न सिर्फ सबसे ज्यादा फैलने की क्षमता रखता है बल्कि वैक्सीन ले चुके या फिर संक्रमित हो चुके व्यक्तियों को भी फिर से संक्रमण की चपेट में ले सकता है। भारत में अभी तक डेल्टा 3 का कोई भी मामला नहीं मिला है, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग की निगरानी कर रहे इनसॉक समिति ने अलर्ट जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार अक्टूबर 2020 में महाराष्ट्र में सबसे पहले डबल म्यूटेशन मिला था, जिससे डेल्टा और कप्पा वेरियंट बाहर आए थे। इसके बाद ही डेल्टा वेरियंट से डेल्टा प्लस और AY2 नामक 2 और वेरियंट मिले, लेकिन इनके ज्यादा मामले सामने नहीं आया। अब एक और डेल्टा 3 नामक वेरिएंट भी सामने आया है, जो अमेरिका के ज्यादातर राज्यों में मिल रहा है। वहीं भारत में अभी तक एक भी केस डेल्टा 3 का नहीं सामने आया है। सरकार के चौथे राष्ट्रीय सीरो सर्वे के आंकड़े जारी किए जाने के बाद विशेषज्ञों ने राय दी है कि कोरोना महामारी और उस पर एंटीबॉडीज के असर को गहराई से समझने के लिए ये काफी नहीं बल्कि बड़ी आबादी पर सर्वे किया जाना चाहिए। वहीं मुंबई के नानावती मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इंटरनल मेडिसिन और संक्रमण विभाग के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर राहुल तांबे ने कहा कि चौथे सीरो सर्वे में 28,000 से ज्यादा नागरिकों और 7,000 से ज्यादा स्वास्थ्य
स्वास्थ्य कर्मियों को शामिल किया गया है। ये काफी नहीं है और बीमारी को अच्छी तरह से समझने के लिए सर्वे का दायरा बढ़ाने की ज्यादा जरूरत है। हमें संक्रमण के प्रसार को लेकर गंभीर होने की जरूरत भी है, क्योंकि ये अब भी स्पष्ट नहीं है कि कोरोना के वेरियंट किस तेजी से फैल रहे हैं और इनको एंटीबॉडी का कितना असर होता है। डॉक्टर तांबे ने कहा कि शरीर में एंटीबॉडी मौजूद होना या ये मतलब नहीं हो सकता कि संक्रमण की चपेट में नहीं आ सकते। हाँ, ये जरूर है कि लक्षण ज्यादा गंभीर नहीं होंगे। हालांकि आईसीएमआर ने भी ये दावा किया है कि एंटीबॉडी होने पर संक्रमित होने वालों की हालत नहीं बिगड़ेगी। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए आतंकरोधी इकाई के अपने 15,000 सैनिकों को एलएसी पर तैनात कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में जुटी अपनी इकाइयों को कुछ महीने पहले ही तैनात किया है। इससे उत्तरी सीमाओं पर संचालन संबंधी अन्य गतिविधियों में सेना को मदद मिल सकेगी। साथ ही शुगर सेक्टर में तैनात रिजर्व फॉर्मेशन के जवाब ऊंचे पर्वतों पर युद्ध के लिए प्रशिक्षित हैं और इस साल लद्दाख में ठंडे इलाकों में युद्ध के खेल में हिस्सा लेते हैं। दरअसल अग्रिम मोर्चे के लिए नई सैन्य इकाई के गठन के बाद जो कमी पैदा हुई थी, सेना ने उसे अपने पास उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए भर दिया है। भारत ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में लगभग 50,000 सैनिकों को तैनात किया है और वहां उसकी ताकत दोगुनी से ज्यादा बड़ी है। चीन की आक्रामकता को देखते हुए लेह में 14 कोर के पास अब 2 डिवीजन तैनात हैं और 2 कारू स्थित 3 डिवीजन सहित एलएसी की निगरानी करते हैं। वहीं पिछले साल अप्रैल मई से चीनी सैनिकों ने क्षेत्र में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं और कई स्थानों पर घुसपैठ की भी कोशिश की गई। इसके बाद ही वहां चीन के बराबर ही भारी संख्या में भारतीय सैनिकों की तैनाती की गई है। भले ही पैंगोंग झील के दोनों किनारे से सैनिकों की आंशिक वापसी हुई हो, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है, क्योंकि चीन गोगरा हाइट्स हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में तनाव वाले स्थानों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों देशों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कई दौर की बातचीत भी की, लेकिन अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिलती दिख रही है। महाराष्ट्र में भारी बारिश आफत बनकर टूट रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से अब तक 112 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 99 लोग लापता हैं। कोंकण के रायगढ़ में सबसे ज्यादा तबाही मची है। जिले में बता दें 3 स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं हुई। अकेले महार के तलिए गांव में हुए भूस्खलन से अब तक 52 शव मलबे से निकाले जा चुके हैं और 53 लोग अभी भी लापता हैं। यहां 33 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं और ज्यादातर राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष के अनुसार रायगढ़, रत्नगिरी, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग और पुणे में अब तक 112 शव मलबे से निकाले जा चुके हैं, जबकि 53 लोगों की अभी भी जांच की जा रही है। वहीं तलिए गांव के अलावा रायगढ़ जिले के पोलादपुर तालुका में सुतारवाड़ी में भूस्खलन से 5 की जान चली गई और 1 अभी भी लापता है, जबकि 15 लोगों की और भी खोजबीन की जा रही है। वहीं केवलाले गांव में भी 5 लोगों की जान चली गई और 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। वशिष्ठी नदी पर भी पुल बह जाने की वजह से चिपलून की ओर से जाने वाला मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है। मुंबई गोवा महामार्ग पर भी वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। वहीं पश्चिमी महाराष्ट्र के पुणे मंडल में भी भारी बारिश हो रही है और नदियां उफान पर हैं। अब तक 1,35,313 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इनमें से 40,882 लोग कोल्हापुर जिले से हैं। साथ ही अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी कि कोल्हापुर शहर के पास पंचगंगा नदी 2019 में आई बाढ़ के स्तर से भी ऊपर बह रही है। पुणे और कोल्हापुर के साथ ही मंडल में सांगली और सतारा जिले भी आते हैं। सांगली में बता दें 70,000 से ज्यादा और सतारा में 5,000 से ज्यादा, थाने में 6,000 से ज्यादा, रायगढ़ जिले में 1,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी या समय पर भर्ती न होने की वजह से देश भर में हजारों लोगों की जाने गई, लेकिन सरकारी आंकड़ों में एक भी मौत दर्ज नहीं की गई है। यहां तक कि अस्पतालों ने भी सरकारी कागजों पर एक भी मामला दर्ज नहीं किया। ऐसा किसके आदेश पर हुआ ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन दूसरी लहर का पीक गुजरने के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों से ब्यौरा जरूर मांगा था। आदेश के प्रति
के अनुसार बता दें 25 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखते हुए निर्देश दिए थे कि अस्पतालों में भर्ती होने से पहले 24, 48 और 72 घंटे में हुई मौत के अलावा होम आइसोलेशन में उपचाराधीन मरीजों की मौत को लेकर भी साप्ताहिक स्तर पर जानकारी उपलब्ध कराई जाए, लेकिन केंद्र, राज्य या फिर संघ शासित प्रदेश के किसी भी अस्पताल ने इस पर ध्यान नहीं दिया। न ही राज्य सरकारों ने होम आइसोलेशन में उपचाराधीन मरीजों की मौत को लेकर अब तक कोई ब्यौरा दिया है। बता दें देश भर में अब तक 42 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी। पंजाब में कांग्रेस की कला कुछ खत्म होती दिखने के बाद अब राजस्थान में हलचल काफी तेज हो गई है। शनिवार रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर करीब 2.5 घंटे तक मीटिंग चली। इस मीटिंग में दिल्ली से जयपुर पहुंचे केसी वेणुगोपाल और अजय माकन ने सीएम के साथ मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के मुद्दे पर मंथन किया। अब आज दोनों नेता पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। साथ ही जानकारी के मुताबिक केसी बता दें और अजय माकन के साथ गहलोत की मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के फॉर्मूले पर लंबी बात चल सकती है। आगे सब कुछ सीएम गहलोत की सहमति पर भी निर्भर करेगा। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा इसकी तारीख भी गहलोत को ही तय करनी है। साथ ही आलाकमान चाहता है कि मंत्रिमंडल विस्तार जुलाई में ही हो जाए और इसके साथ साथ जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां भी होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। हालांकि फिलहाल आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। आज की सुबह सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और सुरक्षा बलों के घेरे में आतंकियों के घिरे होने की सूचना है। कहा जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेर लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर बताया और जानकारी दी कि इस ऑपरेशन में पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान शामिल हैं। एक आतंकी को मार गिराया है जिसकी पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। साथ ही ऑपरेशन अब भी जारी है। इससे पहले भी बीते शनिवार सुबह सुरक्षा बलों ने बांदीपोरा में 2 आतंकियों को मार गिराया था। इनमें सुरक्षा बलों के 3 जवान भी घायल हो गए थे। सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और आतंकियों को घेर लिया गया था। सुरक्षा बल जब संदिग्ध जगह पर पहुंचे तो आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने शनिवार को झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ओबीसी आरक्षण को जनसंख्या के अनुरूप बढ़ाने को लेकर बात की। बता दें बड़का गांव से विधायक अंबा प्रसाद ने उनसे कहा कि वो राज्य सरकार से ओबीसी आरक्षण में कम से कम 27% तक बढ़ोतरी करने के लिए आग्रह करें। साथ ही अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड में ओबीसी आरक्षण प्रतिशत काफी नीचे है। अंबा प्रसाद का कहना है कि मंडल कमीशन के द्वारा देश में ओबीसी की जनसंख्या का अनुमान 52% लगाया गया था, जबकि राज्य में भी ओबीसी की जनसंख्या 50% से ज्यादा है। वहीं दूसरे राज्यों के ओबीसी की तुलना में झारखंड के ओबीसी समुदाय ज्यादा पिछड़े हुए हैं, जबकि उनको सिर्फ 14% आरक्षण दिया जा रहा है। वहीं उनकी जनसंख्या के हिसाब से ओबीसी का आरक्षण 50% से ज्यादा होना चाहिए। ओबीसी की संख्या के अनुरूप आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद झारखंड विधानसभा के मुख्य द्वार पर इस मांग के लिए धरने पर भी बैठी थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में आजादी के 70 सालों में केवल 12 मेडिकल कॉलेज ही बने थे और वर्तमान में भारत सरकार के सहयोग से लगभग 32 बता दें मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, यहां स्वीकृति दी गई है, जबकि केवल 5 सालों के भीतर ही पूर्ण हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को निर्माणधीन देवहरा बाबा मेडिकल कॉलेज की कार्य प्रगति का निरीक्षण करने देवरिया पहुंचे थे। यहां सीएम ने अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेज का जल्द ही वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी के साथ प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप
शाही, पशुधन एवं मत्स्य राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद, देवरिया सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी, सलेमपुर सांसद रविंद्र कुशवाहा, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नीरज शाही मौजूद थे। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 8 मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की गई थी, जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसे ही 9 मेडिकल कॉलेज को NMC स्वीकृति देगी, वैसे ही यहां पर भी कक्षाएं शुरू करा दी जाएंगी। साल 2021-22 में 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी जा चुकी है। देश में एक बार फिर जाति आधारित जनगणना की मांग तेज होती दिख रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से केंद्र से जातीय जनगणना पर पुनर्विचार करने की मांग की है। सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि हम लोगों का मानना है कि जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार विधानमंडल ने 18 फरवरी 2019 को और बिहार विधानसभा ने 27 फरवरी 2020 को सर्वसम्मति से ये जातीय जनगणना का प्रस्ताव पास किया था। नीतीश कुमार ने कहा कि यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था और केंद्र सरकार को इस संबंध में पुनः विचार करना चाहिए। नीतीश कुमार के ट्वीट पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तंज भी कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना पर पुनः विचार नहीं करेगी तो आप क्या करेंगे। वहीं आरजेडी नेता ने कहा कि हमारी मांग पर बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से ही जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार अगर जातीय जनगणना पर पुनः विचार नहीं करेगी तो आप क्या आगे करेंगे। हमारी मांग पर बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।